जय हिंद बच्चों, मैं एकता नंदा आज फिर आपके सामने चेंजेस अराउंड अस का पार्ट टू लेकर आई हूँ। तो बेटा, इन्हें स्टार्ट करने से पहले हम उस चेंज के बारे में बात करते हैं जो आजकल हमारे आगे पीछे चल रही है। आप देख रहे हैं कि जिस तरह पहले क्लासेस आपको स्कूल में मिलती थी, आजकल आपको ऑनलाइन क्लासेस मिल रही हैं। मैं भी आपको वीडियो के माध्यम से ही पढ़ा रही हूँ और भी टीचर्स आपको ऑनलाइन क्लासेस दे रहे हैं। तो ये क्या है, ये भी तो एक बहुत बड़ा चेंज है कि आप पहले स्कूल जा रहे थे और आप घर में क्लासेस ले रहे हैं। तो बेटा, जैसे कि आप सारे जानते हैं कि लॉकडाउन 3 मई तक हो गया है, तो बच्चे मेरी आप लोगों से यही एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग अपने घरों में ही बैठें, अपने इस लॉकडाउन का पालन करें, बाहर बिल्कुल ना निकलें। जिस तरह गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, हमारी भारत सरकार ने अलग अलग इंस्ट्रक्शंस दे रखी हैं, उसका पालन करें। बार बार थोड़ा बहुत गर्म पानी पिए, गर्म चाय पिए, आप अपने हाथ अच्छे से धोएं, हाथों को मुंह से, नाक से, आंखों से मत टच करें। अपने घर वालों को भी ये चीज़ समझाएं। और सबसे बहुत आवश्यक चीज़, जिस तरह आप स्कूलों में असेंबली में एक्सरसाइजेज, योगा और गायत्री मंत्र का उच्चारण करते थे, वो भी अपने घरों में सुबह उठकर एक्सरसाइजेस, गायत्री मंत्र का उच्चारण, योगा ज़रूर करें। उससे आपके इम्यून सिस्टम बढ़ेगा और पॉजिटिविटी क्रिएट होगी। और साथ ही साथ जो भी टीचर्स आपको ऑनलाइन क्लासेस दे रहे हैं, उस माध्यम से उन चीज़ों को पढ़ें और सीखें। यही मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ, क्योंकि आज का सबसे बड़ा चेंज हमारे आगे पीछे यही हुआ है। तो चले बच्चों, अब इसी के साथ मैं आप ये आज का टॉपिक टाइप ऑफ चेंजेस शुरू करती हूँ। चेंजेस मैं आपको अभी ही पढ़ा चुकी हूँ कि किस किस तरह से होती है, चेंज ऑफ स्टेट, चेंज ऑफ शेप, बहुत सारे मैंने उस दिन आपको बताए पार्ट वन में। तो आज मैं पहले शुरू करूँगी फास्ट और स्लो चेंज। फास्ट चेंज क्या होती है? चेंजेस दैट अकर्स इंस्टेंटली, जो एकदम से हो जाए। जैसे कि मैं आपको बताती हूँ, जैसे कि ये कागज़ है, ये कागज़ लिया मैंने और मैंने इसे एकदम से जला दिया। देखिए, ये कागज़ एकदम से जल गया, इसने वेट नहीं किया, जैसे आग मिली और एकदम से जल गया। ये एक इंस्टेंट चेंज है, फास्ट चेंज है। जिस तरह ये बैलून है मेरे पास, बैलून है, अगर इस बैलून को मैं पिन लगाऊंगा, ये एकदम से फट गया। ये क्या है? दिस इज अ फास्ट चेंज। ये फास्ट है, जल्दी से हो रही है, तो इसे हम फास्ट चेंज बोलेंगे। सो इसी के साथ स्लो चेंज है। स्लो चेंज क्या होगी? जो चेंज अकर्स ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, आवर्स, डेज, मंथ्स, ईयर्स जिसको लगते हैं। जिस तरीके से मैंने आपको बताया, ये पौधा लगा है, ये देखिए पौधा लगा है, एक सीड लगाया और इसको लगाया और इसको उगने में टाइम लगता है, दिस इज़ अ स्लो चेंज। या फिर आपकी हाइट आप कह सकते हैं, बच्चा जब बड़ा होता है वो आप कह सकते हैं। ये चीज़ आप देखिए कि इसके लिए आपको डेज, मंथ्स, ईयर लगते हैं, ग्रोथ ऑफ चाइल्ड। अगला चेंज हमारा आ गया पीरियडिक एंड नॉन पीरियडिक चेंज। पीरियडिक चेंज आ गया, चेंजेस दैट रिपीट देमसेल्फ आफ्टर रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम। रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम क्या हो गया कि इनका टाइम बंधा हुआ है, जिस तरह अकरेंस ऑफ डे एंड नाइट्स। अब आज का समय, जैसे इस समय जो टाइम है, कल भी इस समय यही टाइम होगा। अगर अभी दिन है तो कल भी इस समय दिन ही होगा। अगर रात को हमें शाम को 8 बजे रात होती है, तो कल भी 8 बजे रात को रात ही होगी। दिस इज रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम। और नॉन पीरियडिक चेंज क्या हुए? डू नॉट रिपीट एट रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम इज कॉल्ड नॉन पीरियडिक चेंज। जिस तरह के अर्थक्वेक्स का आना, अर्थक्वेक्स रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम पे नहीं होते। हमें नहीं पता कि अगर आज अर्थक्वेक है, कल आएगा नहीं आएगा, या इरप्शन वोल्केनोस। तो क्या देखा हमने? फास्ट एंड स्लो चेंजेस, पीरियडिक एंड नॉन पीरियडिक चेंजेस। अगला चेंज है डिजायरेबल एंड अनडिजायरेबल चेंज। डिजायरेबल चेंज क्या होगा बेटा? द चेंज दैट वी वॉन्ट टू टेक प्लेस, जो हम चाहते हैं। जिस तरह अगर सब्जी कच्ची पड़ी है तो हम कच्ची तो नहीं खाएंगे ना, रॉ मटेरियल तो नहीं खाएंगे, उसको पका कर खाएंगे। दैट इज डिजायरेबल चेंज दैट वी वॉन्ट टू टेक प्लेस। एंड अनडिजायरेबल चेंज क्या हुआ? दैट वी डोंट वॉन्ट टू टेक आकर, जो हम चाहते हैं नहीं हो। उसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल आजकल जो चल रहा है COVID-19 वायरस। हम नहीं चाहते ये वायरस हो, किसी कोई बीमार हो, कुछ भी हो। दिस इज अनडिजायर्ड चेंज। अर्थक्वेक्स का आना, दिस इज अनडिजायरेबल चेंज। वॉल्केनोज का फटना और तबाही मचा देना, दीज आर अनडिजायरेबल चेंजेस।
तो इसके बाद आ गया हमारा रिवर्सिबल एंड नॉन ये इरिवर्सिबल चेंज सॉरी रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल जिस तरह पिछली वीडियो में मैंने आपको कुछ चीज़ें बताई थी चेंज ऑफ शेप चेंज ऑफ साइज दिस इज रिवर्सिबल जिस तरह मैं आपको बताती हूँ ये प्लेन पेज है मैंने इस प्लेन पेज को मोड़ के एक प्लेन बनाया अब मैं चाहूँगी तो इस प्लेन को फोल्ड के फिर से पेज बना सकती हूँ दिस इज रिवर्सिबल जो रिवर्स हो गया मेरे पास एक बैलून है मैंने इस बैलून को फुलाया सपोज मैंने इस बैलून को फुलाया फुला के जब मैंने हवा निकाल दी फिर से ये बैलून बन गया दिस इज रिवर्सिबल चेंज जो चेंज अपनी जगह से दोबारा से चेंज हो जाएगी पेपर का फोल्ड करना या फिर मैंने बर्फ़ रखी और पानी में हो गई बाहर निकाली और पानी बन गया उसको फिर से मैंने फ्रिज में रख दी वो फिर से बर्फ़ बन गई दीज आर रिवर्सिबल चेंजेस तो दोबारा से अपनी चेंज कर सकती है अब आगे आगे इसी के साथ इरिवर्सिबल जो चेंज नहीं हो सकती इस तरह मेरे हाथ में ये संतरा है आप देख रहे हैं ऑरेंज है मैंने इस ऑरेंज को छिल दिया इसको मैंने छीला और मैं आप बोलूँगी कि इसको दोबारा लगा दो क्या ये लग सकता है ये नहीं लग सकता दिस इज इरिवर्सिबल चेंज ये चेंज नहीं हो सकता जिस तरह मेरे पास ये टमाटर है मैं इस टमाटर को काट देती हूँ ये और अब मैं आपको बोलती हूँ इसे दोबारा से लगा दो ये नहीं लगेगा दीज आर इरिवर्सिबल चेंजेस आपकी मम्मा ने आटा गूंदा है आटे का पेड़ा बनाया है वो पेड़ा आप फिर से उसको गोल करके कर सकते हैं लेकिन जब आप उस आटे को लेके चपाती बना लेते हैं कुक कर लेते हैं खाने के लिए प्लेट में रखते हैं वो चपाती दोबारा से आटे में कन्वर्ट नहीं हो सकती दैट इज इरिवर्सिबल चेंज याद रखिएगा रिवर्सिबल चेंजेस आर टेम्परेरी व्हाइल इरिवर्सिबल चेंजेस आर परमानेंट इसी के साथ अगली चेंज आती है हमारी कल फिजिकल चेंजेस एंड केमिकल चेंजेस अब बेटा जिस तरह मैंने आपको बताया कि फिजिकल चेंज होती है चेंजेस ओनली इन फिजिकल स्टेट्स चेंज इन शेप चेंज इन साइज जिस तरह कागज़ लिया इसे मैंने मोड़ दिया इसका साइज भी चेंज हो गया इसकी शेप भी चेंज हो गई फिर से मैंने इसे खोल दिया दिस इज अ फिजिकल चेंज लेकिन जो केमिकल चेंजेस है जिस तरह मैंने उस दिन आग में आपको बताया था कि मैं कागज़ जला के उसको ऐश बना लेती हूँ तो जो ऐशेज है वो उसका इंटरनल स्ट्रक्चर चेंज कर देती है जब उसका इंटरनल स्ट्रक्चर चेंज कर देती है तो न्यू थिंग्स आर फॉर्म्ड जब किसी में न्यू थिंग्स फॉर्म बनती है फॉर्मेशन ऑफ न्यू थिंग्स आर देयर सब्सटेंसेज आर देयर दैट इज केमिकल चेंजेस वो उसका पूरा का पूरा इंटरनल स्ट्रक्चर ही चेंज कर देती है तो बच्चे ये आ गई है आपकी अलग अलग चेंजेस फिर से दोहरा देती हूँ फास्ट एंड स्लो पीरियोडिक एंड नॉन पीरियोडिक डिजायरेबल एंड अनडिजायरेबल रिवर्सिबल इरिवर्सिबल फिजिकल एंड केमिकल चेंज और आज मैं आपको एक छोटा सा होमवर्क देना चाहती हूँ बेटा मैं चाहती हूँ कि आप अपने घर में अपने आगे पीछे की डेली चीज़ों को देखें और एक लिस्ट तैयार करें और उसमें देखें कि कौन कौन से चेंजेस रिवर्सिबल हैं कौन कौन से इरिवर्सिबल हैं कौन कौन से फिजिकल हैं कौन कौन से केमिकल हैं इस तरह एक पूरी लिस्ट बनाएं कौन कौन सी फास्ट है और कौन कौन सी स्लो है मेरे को ऐसा लगता है मेरा ऐसा मानना है कि ऐसा करने से ऐसा लिस्ट बनाने से आपको चेंजेस के बारे में बहुत अच्छे से पता चलेगा और आप समझ पाएंगे कि इस चैप्टर में आपको क्या समझाया जा रहा है तो दिस इज़ ऑल अबाउट चेंजेस अराउंड अस तो अच्छा बच्चे अपना अच्छे से ख्याल रखिए लॉकडाउन का पालन कीजिए अपनी सेहत का भी ख्याल रखिए और हाँ घर से बाहर ना निकलिए जय हिंद जय भारत